चैनल। तो दोस्त हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल। तो दोस्तों, बहुत बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर, जो आप डेली क्वेश्चंस डालते हो उसके मॉडल आंसर्स भी डाला करो या उसके रेफरेंस सोर्सेज भी डाला करो। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चंस के मॉडल आंसर तो डालने मुश्किल हो जाएंगे, बिकॉज हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल लेंथ में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम डेली एक क्वेश्चन जिसका हम मॉडल आंसर तैयार करेंगे वो हम अपलोड करेंगे। लेकिन इससे पहले, वो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए, यूपीएससी में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि कोई मॉडल आंसर होता है। यूपीएससी में अगर कोई मॉडल आंसर होता तो सभी के 100% मार्क्स आते। आप देख सकते हो, टॉपर्स के भी 50-55% मार्क्स रहते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन जो होता है वो एक तरह कॉम्प्रिहेंसिव बोल सकते हैं, आप उसको रेफरेंस सोर्स की तरह लेके चल सकते हो, लेकिन मॉडल आंसर कुछ नहीं होता। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही है सीएससी मेंस के लिए, उस टेस्ट सीरीज में 3 जुलाई को ये पूछा गया क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था हीट वेव्स के बारे में। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, हीट वेव्स आर बिकमिंग अ न्यू नॉर्मल इन समर्स, डिस्कस द कॉजेज ऑफ देयर ओरिजिन एंड स्टेप्स दैट कुड बी टेकन टू डील विद देम। तो दोस्तों, अभी आपको पता होगा जून मंथ गुजरा है, बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार हो रखी है, तो हीट वेव काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में इंडिया में देखने को मिली, और इनफैक्ट बिहार में तो कई लोगों की को अपनी जान देनी पड़ी इस वजह से, हीट वेव की वजह से। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनका कॉजेज ऑफ ओरिजिन क्या है और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इनको डील करने में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने जैसे लिखा है कि देखिए, एक लैंसेट काउंटडाउन 2018 रिपोर्ट छपी थी, उसमें उन्होंने पाया कि जो इंडिया में हीट वेव्स की लेंथ है वो रेंज करती है 3-4 डेज एज कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 0.8-1.8 डेज। तो जो ग्लोबल एवरेज है हीट वेव्स की वो 1-2 दिन अप्रोक्सीमेट रहती है, लेकिन इंडिया में 2014 और 17 के बीच में ये आपकी प्रॉब्लम 3-4 दिन रही। और इनफैक्ट इस रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि इंडियंस जो थे वो 60 मिलियन हीट वेव्स का उनको सामना करना पड़ा 2016 में, जो कि एक तरह से 40 मिलियन जितना जंप है 2012 में। तो आप देख सकते हो कि सीधा क्लाइमेट चेंज का कितना असर पड़ रहा है, कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखिए, डिस्कस करने से पहले एक बार जान लेना चाहिए हमें कि हीट वेव होती क्या है। देखिए, हीट वेव होती है बेसिकली पीरियड ऑफ अबनॉर्मली हाई टेम्परेचर। देखिए, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर आपका समर्स में होता है, उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए और वो इतना ज़्यादा हो जाए कि वो अबनॉर्मल हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हीट वेव बोल देते हैं। और ये ज़्यादातर देखी जाती है समर सीजन में इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो बेसिकली ये मार्च एंड जून के बीच में देखी जाती है, और बार ये जुलाई तक भी एक्सटेंड हो जाती है। तो इससे देखिए, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस सामने निकल के आती हैं उससे क्या होता है कि आपकी फिजियोलॉजिक प्रॉब्लम्स आती हैं फिजियोलॉजिकल, और कई बार तो डेथ भी हो जाती है। सो यहाँ पे फिर से हमने एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि थोड़ा सा आपको कम्प्रिहेंसिवली पता चल जाए। तो हीट वेव एक तरह से क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर अगर कोई स्टेशन का एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर प्लेन्स हो जाए, और 37 डिग्री और मोर फॉर कोस्टल स्टेशंस, एंड एटलीस्ट 30 डिग्री और मोर फॉर हिली रीजन्स। सो ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। तो अगर 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए प्लेन्स में, 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए कोस्टल स्टेशंस में, और 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए हिली एरियाज में, तो उसको हम हीट वेव बोलते हैं। तो किसी कब ये हीट वेव डिक्लेयर की जाती है, तो इसके लिए देखिए, जो हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए क्राइटेरिया है, दैट इज ये जो क्राइटेरिया हमने आपको बताया, ये लगभग 2 स्टेशंस पे जो मेटेरोलॉजिकल सब डिविजन हैं यहां पे ये चीज होनी चाहिए, और फॉर एटलीस्ट 2 लगातार 2 दिन के लिए, 2 कंसेक्यूटिव डेज के लिए। तो अगर ऐसा 2 दिन के लिए होता है, मतलब 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रहता है प्लेन एरिया में किसी 2 मटेरियोलॉजिकल सब डिविजन्स में, तो उस रीजन को हम हीट वेव डिक्लेयर से हीट वेव से इफेक्टेड रीजन डिक्लेयर कर देते हैं।
मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर जो होता है वो 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो सिवियर हीट वेव होती है उसमें तो 6.5 डिग्री और उससे ज्यादा हो जाता है। तो दो कैटेगरीज हैं हीट वेव्स की, एक सिंपल हीट वेव, एक सिवियर हीट वेव। तो सिंपल हीट वेव 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.4 डिग्री सेल्सियस और उससे ज्यादा अगर हो जाए तो सिवियर हीट वेव। ये हमने एक तरह से आपका क्राइटेरिया है। अब क्वेश्चन में बात की गई थी कि कॉजेज क्या हैं इसके ओरिजिन के। तो कॉजेज दोस्तों देखिए क्या हैं कि एक मिड लेवल हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है किसी एरिया पे, और ये जो एक तरह से जो मिड लेवल हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है ये एक कैप का काम करता है। तो कैप में क्या होता है कि एक तरह से आप देख सकते हो कि कवर का काम करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो 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 रीजन है जिस रीजन पे ये कैप बनी होती है, मतलब वास्ट रीजन सपोज कर लो टू मेटेरोलॉजिकल स्टेशन जितना जो रीजन है उस पे ये कैप बन गई हाई प्रेशर की, तो क्या होगा जो हीट वेव्स होंगी वो जो अदरवाइज क्या करती हैं राइज करके वो ऊपर जाते जाते फैल जाती हैं, ऊपर जाते जाते वो जो आपका टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से वो कूल हो जाती हैं, वो जो चीज है वो नहीं हो पाती। बिकॉज क्या है एक तरह से कैप बन गई है हाई प्रेशर की, जिसकी वजह से हीट जो है वो ऊपर नहीं जा पा रही, और ऊपर ना जाने की वजह से जो ग्राउंड लेवल जो रेडिएशन है ट्रस्टल रेडिएशन है उसकी वजह से वो हवा गर्म हो रही है और ऊपर नहीं जा पा रही और ठंडी नहीं हो पा रही। इससे क्या होता है कि उस रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इससे जो बारिश के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। बिकॉज अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आपको पता होगा एक कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटीज में कवर्ड हैं। तो रिजल्ट क्या होता है एक बिल्डअप हो जाता है हीट का। ये तो एक स्पेसिफिक कारण है, ये हमने एक तरह से देख लिया कि मैकेनिज्म कैसे बनती कैसे है। तो अब कॉजेज जो हैं वो मल्टीपल हैं, तो ये इन कॉजेज को अगर मल्टीपल एंगल से देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए आप देख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हायर डेली पीक टेम्परेचर होते हैं और लंबे समय के लिए, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी होने की वजह से ये जो हीट वेव्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये भी पाया है कि ये एल नीनो इवेंट से भी लिंक्ड हैं। अब देखिए इंडियन ओशन टेम्परेचर भी क्या है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा ओशियन है उसका टेम्परेचर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसके बढ़ने से क्या होता है कि जो एक मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है ओशियन का वो नहीं हो पाता, जो एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड्स आनी होती हैं वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे जो मॉनसून्स हैं जो साउथ वेस्ट मॉनसून्स हैं वो कम हो जाते हैं, वो कम हो रहे हैं, उसकी वजह से इसको हम वैसे भी एल नीनो इवेंट बोल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि देखिए जो बारिश नहीं हो पाती, और अगर बारिश नहीं हो पाती तो ऑब्वियसली जो आपके हॉट डेज है गर्मी वाले दिन है वो बढ़ जाएंगे, और जो फैक्टर्स हैं वो तो चलो क्लाइमेट चेंज तो है ही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज भी किस वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया आपका, हीट आइलैंड इफेक्ट हो गया सिटीज में, और आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या हो जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये टेम्परेचर आपके बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिफॉरेस्ट्रेशन से ट्रीज नहीं है तो ट्रांसपीरेशन नहीं हो रही, तो इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, और साथ में आपका जो कंक्रीट सर्फेसिस हैं अर्बन एरियाज में वो भी बढ़ रहे हैं, ट्री कवर नहीं है। और मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये पाया कि जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ओवर साउथ पाकिस्तान एंड नेबरिंग रीजन्स इज द रीजन बिहाइंड द हॉट विंड्स प्रिवेलिंग ओवर द एंटायर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि हाई प्रेशर कैप बन जाती है, तो जब हाई प्रेशर कैप बनती है ये बेसिकली साउथ पाकिस्तान के ऊपर बनती है और नेबरिंग रीजन्स के ऊपर बनती है, जिसकी वजह से क्या है हॉट विंड सारे इंडिया में और पाकिस्तान में भी इनफैक्ट देखी जाती है। तो अब देखिए इम्पैक्ट की बात है, इम्पैक्ट की बात तो अब आपको पता ही है कि हेल्थ इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, ऑब्वियसली गर्मी जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील करती है, और हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं, हीट एग्जॉशन हो जाता है, हीट स्ट्रोक भी हो जाता है, और सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं या एल्डरली होते हैं, और जो पहले ही प्रॉब्लम्स से और जो लोग पहले ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो भी वल्नरेबल होते हैं। तो स्पेशली अब दोस्तों जब आपको आंसर लिखना होता है तो सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट नहीं देखना होता, उसको आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि हीट से गर्मी लगती है, डिहाइड्रेशन होगी, हीट स्ट्रोक हो सकती है, लेकिन चिल्ड्रन भी चलो मान लेते हैं, एल्डरली को भी ऊपर असर पड़ता है, लेकिन हमें जनरल परस्पेक्टिव लेके चलना है, बिकॉज आपका एग्जाम ही जनरल स्टडीज का है।
तो इसमें अब देखिए आपको जनरल वे में अगर हम करें कवर, तो हीट वेव का इम्पैक्ट ऑब्वियसली उन लोगों पे भी पड़ता है जो जो इतनी गर्मी में काम करते हैं, जैसे वेजिटेबल वेंडर्स हो गए, आपके कैब ड्राइवर्स हो गए, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हो गए, और कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, और जो पुलिस पर्सनल हैं वो जो रोड साइड पे जो अपना काम चलाते हैं वो लोग, जब वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको बहुत ही गर्मी में काम करना पड़ता है अपने दोनों एंड्स मीट करने के लिए, वो ऐसे इनके इफेक्ट्स को वल्नरेबल हैं स्पेशली। और साथ ही साथ जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, बिकॉज इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि मोस्टली आपको प्रीमाइसिस के बीच में काम करना होता है, तो इसकी वजह से अब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है। तो रिसेंट में रिपोर्ट में ये पाया गया कि इंडिया इज अमंग दोज कंट्रीज हु मोस्ट एक्सपीरियंस हाई सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो इम्पैक्ट ऑब्वियसली दोस्तों अगर हीट वेव हो रही है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और इंडिया ऑलमोस्ट इस रिपोर्ट में पाया गया कि 75,000 मिलियन आवर्स ऑफ लेबर इन 2017 लूज की गई इसकी वजह से, फ्रॉम अबाउट 43,000 मिलियन आवर्स इन 2000। सो लैंसेट जो काउंटडाउन रिपोर्ट है 2018 की, उसने कहा है इंडियन पॉलिसी मेकर्स को कि आप कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए लो जिससे क्या हो कि जो ये जो इंक्रीज रिस्क बढ़ रहे हैं हेल्थ को या लेबर आवर्स को इस एक्सपोजर की वजह से, उसको आप कम करो। बिकॉज ऑब्वियसली दोस्तों अगर आपके वर्किंग आवर्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेबर आवर्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी आउटपुट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस हिसाब से लोगों की इनकम कम होगी, जीडीपी कम होगी इंडिया की, तो बिकॉज अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी पे तो असर पड़ता ही है इसका। तो इंडिया को कैसे डील करना चाहिए, तो इससे डील करने के लिए दोस्तों पहले तो सिंपल बात है कि आपको प्रॉपर मेटेरोलॉजिकल डाटा जो है आपके पास होना चाहिए, आप आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और उनको उनकी आप एक तरह से मैपिंग कर लो, जैसे डिजास्टर मैपिंग होती है, तो आप मैपिंग कर लोगे तो आपको आपको पता होगा कि इन रीजन्स में हीट वेव देखी जाती है, तो आप अप्रोप्रिएटली लोकल हीट एक्शन प्लान बना सकते हो, और फिर जब ऐसी कंडीशंस होती हैं उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, और इनफैक्ट इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और रिस्पांस भी ऐसा होना चाहिए कि जो मोस्ट वल्नरेबल है उनको उनको इसका फायदा मिले। तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी एक हीट एक्शन प्लान अडॉप्ट किया है, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ऑल्सो जैसे गवर्नमेंट है जो उसको जैसे मनरेगा है, अब मनरेगा हमारी स्कीम चलती है जिसमें 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है वल्नरेबल सेक्शंस इन रूरल एरियाज, तो मनरेगा का जो वर्क है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो ऐसी चीजें बनाए, ऐसे एसेट्स बनाए, ऐसे रिसोर्सेज बनाए ताकि आपके जो ये जो वाटर फैसिलिटीज बन पाए और इरीगेशन फैसिलिटीज डेवलप हो पाए इन रोड प्रोन एरियाज, सो दैट इन लोगों की जो लोग ऐसे रीजन्स में रहते हैं उनकी हीट वेव को डील करने की कैपेसिटी बढ़ सके। तो फर्दर रिसर्च में सब डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा होना चाहिए ताकि हमें पता हो कि कौन कौन से जो एरियाज हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। और वैसे भी आपके जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उनका जो उनका रिव्यू करना चाहिए ताकि इसको कवर किया जा सके। तो आप देख सकते हो कि कितना कॉम्प्रिहेंसिवली क्वेश्चन को कवर किया गया है, सिर्फ ये नहीं है कि आपको ज्योग्राफिकली देखना है या आपको इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज के एंगल से देखना है, आपको ये भी देखना है कि हाँ अगर वर्कर काम कर रहे हैं, अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं तो उनकी जो सेफ्टी की हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे हैं, तो उनको आपको प्रॉपर इमेंट करना चाहिए ताकि जो आपकी की वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, कीपिंग इन माइंड द चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। और पॉलिसी इंटरवेंशन करना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स लाइक हेल्थ, पावर एंड वाटर, तो और एडिक्वेट आपकी सप्लाई होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर को, बिकॉज अगर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी अगर ड्रिंकिंग वाटर होगा तो बॉडी का टेम्परेचर कम करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आपको एक नेशनल एक्शन प्लान जो तैयार हो रहा है ऑन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ, उसकी जो रिलीज है वो जल्दी होनी चाहिए, और साथ ही साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम, बिकॉज अर्ली वार्निंग सिस्टम तो ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे ये हो सकता है, और आपको ऐसे कम्युनिकेशन टूल्स की को यूज़ करना चाहिए ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। और हम जैसे फ़ोन बेस्ड टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, गवर्नमेंट ये यूज़ कर सकती है, रेडियो यूज़ कर सकती है, टीवी चैनल्स यूज़ कर सकती है, और आपका प्रमोशन जो आपकी ट्रेडिशनल अडाप्टेशन प्रैक्टिसेस है, जैसे हम इग्नोर करते जा रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं, और
न्यू एक्टिविटीज में इंगेज होते जा रहे हैं जिससे हम और ज़्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए और आपका जो सिंपल डिज़ाइन फीचर्स हैं जैसे शेडेड विंडोज़ हैं, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं और इंसुलेटिंग हाउसिंग मटीरियल, ऐसी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए और आपकी कोलेबोरेशन करनी चाहिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू इम्प्रूव द बस स्टैंड एंड बिल्डिंग टेम्पररी शेल्टर्स, ताकि आपके जहाँ भी आपका प्रॉपर जहाँ पे नीड है वहाँ पे आपके शेल्टर्स हों, बस स्टैंड्स पे शेल्टर्स हों, वाटर डिलीवरी सिस्टम हो और भी इनोवेटिव मेजर्स आपको इसको इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे टू टैकल द हीट वेव कंडीशंस। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते करते नियर अबाउट 15 मिनट लग गए, 16 मिनट। तो इसी वजह से हमारे लिए ये डिफिकल्ट है कि हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करें, लेकिन हमने आज से ये डिसाइड किया है कि हम डेली एक क्वेश्चन का एनालिसिस अपलोड कर दिया करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आंसर लिखना कैसे है एग्जाम में, आंसर को कवर कैसे करना है, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए जीएस को कवर करने की। तो अगर आप सीएसई मेंस दे रहे हैं इस बार तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो इस लिंक को यूज करते हुए, इस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे और आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इन सारे जो हम मॉडल आंसर्स या हम बोल सकते हैं रेफरेंस मटेरियल, तो इनको प्रिपेयर करें, बिकॉज हम तो इनको मॉडल आंसर्स नहीं बोलते लेकिन बच्चों को आदत पड़ चुकी है मॉडल आंसर बोलने की, हम तो बेसिकली रेफरेंस सोर्सेज बोलते हैं। तो अगर आपको सारे रेफरेंस सोर्सेज चाहिए तो आपको हमारी मेन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो के बारे में, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपके कोई डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8968920720 और आप हमें मेल भी कर सकते हो achieveias21@gmail.com। तो ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू।